आते हमल से लड़की की हलाकत का मामला नया मोड सामने आ गया। उसामा ने क्या बताया था, ये कौन है लड़की? उसामा ने ये बताया था कि ये मेरी बीवी है। ये आपको बताया था? ये नहीं नहीं, वो उधर कंसर्ट साइन हुए। क्या कोई पुर इसरार किरदार सामने आने वाला है? मुजरिम के होश रुबा इंकशाफात। लड़की को हस्पताल लाने वाला नौजवान उसामा का लड़की से जिंसी ताल्लुक से इनकार। ये बयान बार बार बदल रहा है। जो हमारे पास इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, उसमें इसने बयान किया था कि मेरा उसके साथ 5 साल तल्लक है, दोस्ती है और मेल मिलाप भी है। लड़की की हलाकत, डॉक्टरों की गफलत और नौजवान की लापरवाही। कितने पैसे लेते हैं केस में? आम रूटीन में मींस के 6,000-10,000। उस दिन 35,000 क्यों लिया? वो डॉक्टर साहब ने इनसे डील की थी। डील की थी ना डॉक्टर साहब ने, उन्हें पता था ये इलीगल अबॉर्शन है ना? जी जी। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें एक लड़का उसामा एक लड़की को उठाए नजर आ रहा है। ये वही तस्वीर थी जो टीवी स्क्रीन पर एक लड़की की मौत की खबर के साथ चली थी, जिसमें ये लड़का एक लड़की को मुर्दा हालत में अस्पताल की इमरजेंसी में छोड़कर भाग गया। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर का वायरल होना था कि कई तरह की अफवाहें फैलने लगी। कहीं लड़की के किरदार पर उंगलियां उठाई गईं, तो कहीं लड़के को कसूरवार ठहराकर मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश करने लगी। लड़का उसामा कौन था? असल हकायक हम करेंगे बेनकाब। क्या उसामा का था लड़की के साथ जिनसी ताल्लुक या फिर लगा है कोई इल्जाम? गुजरात की लड़की का शोर कोर्ट में इसकाते हमल, लाहौर क्यों आई? लाहौर के निजी अस्पताल में लाते वक्त क्या लड़की जिंदा थी? शोर कोर्ट में किसने किया लड़की का इसकाते हमल? अस्पताल की दाइया और मैनेजर ने किए कौन कौन से इंकशाफात? मुलजम उसामा ने कौन से हकायक किए बेनकाब? जो कहानी किसी ने ना बताई, वो हकायक हम लाएंगे सामने। उसामा ने वायरल होने वाली वीडियो पर उठाए कौन से सवालात? लाहौर के अस्पताल में बहन का ताल्लुक जाहिर करने वाले नौजवान पर लगे कौन से शर्मनाक इल्जामात? पुलिस की तफ्तीश में क्या सच सामने आया? क्या असल किरदार कोई और है? कौन सा पुरइसरार किरदार सामने आने वाला है? लाजमी देखें कैसे गैर कानूनी तौर पर इसकाते हमल करवाना हो सकता है, कितना खतरनाक। मुजरिम कौन? गुलाम अब्बास साहब हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है थाना नवाब टाउन के। इन्होंने इन मुलजिमान को गिरफ्तार किया। अभी बहुत मुलजिमान है इसमें जिन्हें अभी गिरफ्तार करना बाकी है। ये मामला असल में है क्या? मुलजिम साफ इनकार कर रहा है कि मेरी वजह से ये मकतूला मरियम फातिमा प्रेग्नेंट नहीं हुई। अगर इसने प्रेग्नेंट नहीं किया तो फिर इसका मतलब यह है कि इस कहानी में कोई और किरदार भी है, तो वो कौन है और अभी तक तफ्तीश क्या चल रही है? अब्बास साहब से पूछते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस को इतला कब देता है, कौन देता है, जब ये लाहौर हॉस्पिटल में, लाहौर टीचिंग हॉस्पिटल में लेके आता है और वहाँ इसे छोड़ के लावारिस भाग जाता है? हॉस्पिटल का अमला आपको इतला देता है, कैसे पता चलता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 23/1/2021 का वकूब है जब ये लड़की को लेकर जाते हैं उधर गुजरात से श्योरकोट। ठीक है। उधर रात को ये सारा सर्जरी करवाते हैं और वहाँ से अबॉर्शन करवाते हैं, लाहौर ले आते हैं। पुलिस के मुताबिक मरियम फातिमा का एबॉर्शन शोरकोट से करवाया गया था। अभी मरियम की हालत खराब ही थी कि उसको उसामा शोरकोट के अस्पताल से लाहौर ले आया। शोरकोट के अस्पताल में क्या इसकाते हमल हुआ था? जिस हॉस्पिटल में ये शोरकोट में इसकाते हमल होता है, वहाँ पे ये सारी सर्जरी के बाद और ये बच्चा गिराने के बाद वो दाइया जिसने इस लड़की की सारी सफाई की उसके जिस्म के हिस्सों की, वो मेरे साथ मौजूद हैं। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है, फरद इनका नाम है। इनसे हम पूछेंगे और इनसे बात करते हैं कि जब इनके पास ये कपल आता है फातिमा को लेके उसामा पहुंचता, मरियम फातिमा को लेके उसामा पहुंचता है, तो इन्हें क्या पता था ये क्या केस है? और जो डॉक्टर्स हैं, जो मरकज़ी किरदार है जिनका, हयात मेडिकल कॉम्प्लेक्स के जो डॉक्टर्स हैं, जो मालिक हैं और वहाँ के जो MD हैं, उन्होंने जब इन्हें बुलाया कि आपने इस तरह से केस है, एक लड़की है जिसका एबॉर्शन हुआ है और उसकी सफाई करनी है, तो इन्हें क्या बताया हुआ था कि मामला है क्या? फरद, अब मुझे ये बताएं, बड़ा हमें भी अफसोस हो रहा है और कि आप खातून हैं, जाहिर है आपके बच्चे भी होंगे, आपका पूरा घर बार है, आप यहाँ पे बैठी हुई हैं लाहौर में, पुलिस ने आपको गिरफ़्तार किया होगा, थाने में आपके दिन गुजर रहे हैं, इसलिए साफ साफ बात बताइएगा,
ये आपके पास कौन आया था, किसने आपको क्या बताया था? उसामा ने डायरेक्ट आपसे रब्ता तो नहीं किया होगा ना? आपको किस डॉक्टर ने कहा था कि जी आना है और आपने ये करना है? सर उसामा लोगों का मतलब डॉक्टर अब्दुल्ला साहब से रब्ता हुआ था, डॉक्टर अब्दुल्ला जो मालिक हैं रियाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स, इसका कोई दोस्त था तो उसका डॉक्टर अब्दुल्ला साहब से कोई रिलेशन था, ठीक है, उन्हीं के रेफरेंस ये आए थे, ठीक है ठीक है। तो इन्होंने ये मतलब सारा जो प्रोसीजर होता है जो बॉर्शन का वो सारा करके तो इन्होंने मुझे कॉल की थी, मैं सोई हुई थी, काफ़ी टाइम था, अब्दुल्ला ने आपको कॉल की थी? जी 12-1 बजे का टाइम था तो मैं सोई हुई थी, मैंने कॉल अटेंड नहीं, रात 12-1 बजे का, ठीक है हाँ जी। तो उसके बाद मतलब कि इन्होंने डॉक्टर नासिर और ये अली अब्बास जो है ये मेरे घर गए, घर से मुझे ले आए कि ना ऑपरेट हुआ है तो वो सफाई करके पेशेंट के जो है ना कपड़े वगैरह चेंज करने। रुकें, आपको इस वक्त डॉक्टर अब्दुल्ला ने या डॉक्टर अली अब्बास ने नासिर ने ये सब बताया था कि ये केस है क्या, कि ये नियमबीबी का मामला है या ये कोई गैर कानूनी तौर पे इसका? नो, इन्होंने मुझे जस्ट ये कहा था कि चेंज वगैरह करने हैं, ठीक है ठीक है, ऑपरेट हुआ तो चेंज करने हैं तो आप आके कर दें। अच्छा, आप क्योंकि हम मेल हैं। दाइया के मुताबिक उसको अस्पताल इंतजामिया ने मरियम की सफाई सुथराई के लिए बुलवाया था। दाइया जब अस्पताल पहुंची तो क्या एबॉर्शन हो चुका था? कई सवाल बाकी हैं। इस सारे मंजरनामे में मरकजी मुलजम उसामा इस हवाले से क्या कहता है? उसका मरियम के साथ क्या ताल्लुक था? मकतूला मरियम फातिमा के केस के तमाम मुलजिमान इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। उसामा भी है, उसामा इस केस का मरकजी मुलजिम है, जिसके साथ जिसके इस मरियम के साथ मकतूला के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से वो हामिला हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद ये सारा मामला होता है। तो मैं सीधा सबसे पहले उसामा से बात शुरू करूँगा, बाकी जो मुलजिमान हैं उनसे बाद में बात करते हैं। उसामा सबसे पहले अपने बारे में बताओ, क्या करते हो, पढ़ते हो कहीं? जी पढ़ता हूं। कहां पे पढ़ते हो? यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में पढ़े हो, क्या पढ़े हो? एविएशन कर। ठीक है, मरियम से कब से दोस्ती? मैं 5-6 साल से जाता हूँ। 5-6 साल से ये एक इलाके के हैं, गुजरात के रहने वाले हम दोनों। अच्छा, दोस्ती होगी एक इलाके की वजह से। 5-6 साल से मुलाकात, मिलना जुलना सब कुछ था? नहीं, मुलाकात तो खैर इतना नहीं, लेकिन ये है कि दोस्ती थी मेरी उससे। दोस्ती मैं एज अ टीचर भी थी मेरी, जिस टाइम मैं मतलब कि कुछ मुश्किल पेपर्स जैसे होते हैं मैथ्स फिजिक्स वगैरह उसमें मेरी हेल्प करती थी। अच्छा, हेल्प करती थी? जी जी, टीचर भी थी वो। जी जी। अच्छा, अब ये सारा मामला कैसे हुआ, ये कब प्रेगनेंट हो जाती? ये मुझे जब इसने तकरीबन जिस दिन का ये वाक़या है उससे 4 दिन पहले इसने मुझे बताया कि मुझे इस तरह मसला है। ठीक है, मैं आपकी भी थोड़ी सी दुरुस्तगी कर दूं कि इसमें ना तो मेरा उसके साथ कोई ऐसा ताल्लुक था, ठीक है, ना ही ये मामला इस तरह का है जिस तरह इसको हाईलाइट किया गया। अच्छा, कैसा मामला? इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। इसमें मुझे 4 दिन पहले जब उसने बात की, उसने मुझे अपना कंडीशंस बताई, ठीक है, उसमें उसने मेरे से ये कहा कि मैंने मेडिसिन वगैरह यूज़ की हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा मतलब के अंदर मुझे मसला लग रहा है। ठीक है, उस टाइम फिर मैंने उससे बहस मेरी हुई, लाजमी मतलब पूछना मेरा बनता था, ठीक है, जो भी था, लेकिन उस टाइम मैंने इस चीज़ पे इतना जोर या इतना बहस करने के बजाय कि ये किसका है किसका नहीं है, कौन है कौन नहीं है, DNA कराऊं मैं, ये कराऊं, मैंने उसका इलाज कराना समझा। किसका है किसका नहीं है, इससे क्या मुराद है? सर, इसका मुराद यही है कि आप खुद लगा लें अंदाज़ा कि मैं उससे लास्ट टाइम जब मिला हूँ फरवरी या मार्च में, मेरे ऑनलाइन पेपर चल रहे थे, ठीक है, जब मैं उसके बाद तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं है? हाँ जी। उसामा के बकौल उसका मरियम के साथ कोई जिनसी ताल्लुक नहीं था। इसके बकौल टीवी स्क्रीन और सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ प्रोपेगंडा फैलाया गया। अगर उसामा बेकसूर है तो असल किरदार कौन है, क्या है हकीकत? इसका क्या सबूत है? इसका सबूत DNA जाहिर हो रहा है, बिल्कुल उसमें आ जाएगा ये सारी चीजें, ठीक है। बाकी इन्होंने मेरे रिकॉर्ड्स वगैरह सारी चीजें निकाल के अपनी तफ्तीश भी की है, मीडिया ट्रायल्स भी हुए हैं। मां क्या उससे कोई बहनों वाला ताल्लुक था, बहन समझ के उसका ये सब कुछ करवाया? नहीं, बहन भी नहीं थी, ठीक है, दोस्ती एज अ दोस्ती के नाते मतलब ट्रीट करते थे। आज के दौर में एक लड़का जिसका प्रेगनेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है वो ये सब कुछ खुद करवाएगा, ये बात समझ में आती है? एक चीज है कि जब आपका नहीं, मैं आपको बताता हूँ, एक हमदर्दी भी थी इसमें। एक और चीज है कि दोस्ती में ना आप रिलेशन एक और चीज़ है, ठीक है, दोस्ती एक और चीज़ होती है, ठीक है, कि दोस्ती में आप बहुत से वो कुछ काम भी कर जाते हैं, जैसा आप मतलब कि हम माशरे में देखते हैं कि हम लोग दोस्तों के लिए बहुत कुछ करते हैं। 302 कत्ल का केस अपने सर पे ले लिया दोस्ती की वजह से। तुम ये सर, हमें इस चीज़ का ना मुझे अंदाजा था कि ये चीज़ आगे जाके इस तरह मतलब के पड़ेगी या इस तरह इसको हाईलाइट किया जाए। पढ़े लिखे इंसान हो तुम, तुम्हें ये तो पता ये कितना सेंसिटिव केस है। एक लड़की प्रेगनेंट है और तुम ये कह रहे हो तुम्हारी वजह से वो प्रेगनेंट नहीं है और तुम उसे ले लेके फिर रहे हो, उसका तुम एबॉर्शन करवा रहे हो, ये हो सकता है?
ये कैसे हो सकता है? इसमें जब उसने पहले भी मैंने रिपीट किया कि जब मैंने उसने मुझे बताया इस बारे में, ठीक है, तब उसकी हालत खराब हो चुकी भी थी पहले से बहुत। ठीक है, सवाल तो किया, ठीक है, मैंने उससे सवाल किए हैं बहुत, हमारा सफर में आए हैं, ठीक है, उसने सवाल, मैंने उससे सवाल बहुत सारे किए हैं, लेकिन जवाब क्या मिला? ठीक है, जवाब कोई इस तरह सीधा जवाब नहीं था इसमें, ठीक है, टाल मटोल थी बात को, या उसने मतलब कि सीधी बात मुझे बताई थी, ये नहीं मुझे बताया कि किसका था या क्या था जो भी था, लेकिन ये उसने क्या मुझे सीधी बात बताई थी, ठीक है, यही कि हमल वाली बात, ठीक है, हमल तो पता चल गया, लेकिन हुआ कैसे? तुम कह रहे हो कि तुमने नहीं किया, सारे मीडिया में ये बात चल रही है कि तुम्हारी वजह से वो प्रेग्नेंट हुई, असल सच क्या है? मैं वही जानना चाह रहा हूं। मैं आपको असल, हाँ जी, असल हकाई की बता रहा हूँ इसमें कि आप, एक तो ये चीज है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा उसके साथ इस तरह का कोई ताल्लुक नहीं था, नहीं कोई फिजिकल रिलेशन नहीं था, कभी नहीं था, कभी नहीं था हमारा कोई फिजिकल रिलेशन। इसमें जब ये मामला सारा हुआ, ठीक है, मैंने उसको एज अ दोस्त के नाते ही ट्रीट किया कि वो मुश्किल में, इस कहानी में कोई और किरदार भी है सर? ये तो अब तफ्तीश करना सारी चल रही है, ठीक है, मेरी भी तफ्तीश चल रही है, बाकी भी तफ्तीशें चल रही है, हो गई। तुम कह रहे हो कि मेरी वजह से नहीं हुई, तो किसी वजह से हुई ना, इसका मतलब है कोई किरदार और भी है। बिल्कुल, मुलजम के मुताबिक तो असल किरदार कोई और है जिसके थे मरियम के साथ नाजायज ताल्लुकात। सवाल ये है कि अगर उसामा के मरियम के साथ जिंसी ताल्लुकात नहीं थे तो वो उसका इस्काते हमल क्यों करवा रहा था? क्या थी असल कहानी? पुलिस की तफ्तीश में क्या सच सामने आया? लाहौर में ये वापडा टाउन में मकान किराए पर लिया हुआ है, ये जो असामा मुनीर है, इसने उस किराए के मकान में इसको रखते हैं, अपने तौर पर उसका जो है ये ट्रीटमेंट कर रहे थे, उसको जूस पिला रहे थे, हाँ। और उसको कोई मेडिसिन वगैरह दे रहे थे जो डॉक्टर साहब ने इनको लिख कर दी हुई, सजेस्ट की हुई। बिल्कुल, और जब उसकी हालत गैर हुई है तो ये असामा और इसका दोस्त है जिसका नाम अवैध सामने आ रहा है, ये दोनों सुजुकी स्विफ्ट गाड़ी में उसको बिठा कर लेकर गए हैं, ठीक है, टीचिंग अस्पताल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, ठीक है। ये तकरीबन 11:30 या 12 बजे दिन 24 तारीख का वाक़ है, इतवार का दिन था, 24 तारीख थी, 24 जनवरी दोपहर तकरीबन 12 बजे ये जो असामा है इसने उस लड़की को छोड़ा है और छोड़ के ये तेज़ी से भागता हुआ गाड़ी में बैठता है, हाँ, और बिल्कुल, और ये तेज़ी से बैठता है और जो इसका साथी है वो गाड़ी भगाता है और ये दोनों भाग जाते हैं। जो अस्पताल का हमला है उन्होंने देखा कि लड़की तो डेड है। अच्छा, लड़की हॉस्पिटल वाले ये कहते हैं कि रिसीव ही डेड हुई थी, हाँ, मुर्दा हालत में हमने, हाँ, उन्होंने हमें बकायदा लेटर दिया है, ये कहता है उस वक्त सांसें चल रही थी। नहीं नहीं, ये गलत बयानी कर, ये गलत बयानी कर रहा है, लड़की डेड हो चुकी थी, ठीक है। जब अस्पताल इंतजामिया ने देखा कि लड़की डेड है तो उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो मकामी पुलिस को इतला दी। जब हमें थाना में इतला मौसूल हुई तो मैंने अपने सीनियर अफसरान को बतलाया, तो हमारे एसपी साहब ईसा खां साहब और डीएसपी साहब, मैं तमाम, हम फौरी तौर पर हॉस्पिटल मौके पर पहुंचे हैं, हॉस्पिटल में। उधर जाकर हमने जो पहला काम किया वो था सीसीटीवी कैमरा जांच। जब आप पहुंचे लड़की एक्सपायर हो चुकी थी, लड़की एक्सपायर हो चुकी थी, हमने बॉडी देखी, उसके बाद हमने कहा कि जी ये दिखाएं कि आपके जो सीसीटीवी कैमरा जहाँ लगे हुए हैं वो फौरी दिखाएं हमें, ठीक है। जब हमने देखा तो उसमें एक गाड़ी जो रुकती है आकर, उसका नंबर था 6695, सुजुकी स्विफ्ट है सफ़ेद कलर की, वो रुकती है, उसमें ये जो असामा नाम का लड़का सामने आया है, ये उस लड़की को हाथों में उठाए हुए है और ये अंदर लेकर आ रहा है, उसको इसने स्ट्रेचर पर डाला है, उसके बाद ये तेज़ी से बाहर निकलता है और गाड़ी में बैठकर ये दोनों फरार हो जाते हैं। वहाँ रुकता नहीं, रुकता नहीं है ये, ये कहता है कि मैं वहाँ बहस करता रहा हूँ, मेरे नहीं नहीं नहीं, नहीं ये बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज आप ये कह रहे हैं, हाँ, उधर जाकर फौरन जो, जो हमारे पास मुकम्मल इसकी जो है वो फुटेज है उसमें ये कहीं भी नहीं रुकता, रुकता नहीं। इसको सिंपल वो जो उधर सिस्टर है उसने पूछा है ये कौन है, तो इसने कह के ये मेरी सिस्टर है, मैं अम्मी को फ़ोन करने लगा हूँ, सिस्टर है, हाँ, अच्छा, मैं अम्मी को फ़ोन करने लगा हूँ और उधर से ये बहाने से छोड़कर भाग, इसको कन्फर्म हो चुका था कि लड़की डेथ हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक लड़की की डेथ हो चुकी थी, तो सवाल ये है कि अगर लड़की मर चुकी थी तो मुलजम उसे शोरकोट से लाहौर क्यों लाया और लाहौर के निजी अस्पताल में लड़की को हाथों में उठाए क्यों भागता रहा? शोरकोट के इस अस्पताल में जहां लड़की का एबॉर्शन किया गया, उसी अस्पताल की दाइया ने टीम मुजरिम कौन को क्या बताया? इससे पहले भी जाहिर है आप काम करती हैं जी, इससे पहले भी आप लोग, आप भी पूछती हैं डॉक्टर से कि ये मामला है क्या? ये बस no, आपका sir, काम है no, sir, हम सफाई कर दी, हाँ, कपड़े चेंज कर दिए, हाँ, अंदर से सफाई कर दी, सब कुछ कर दिया, हाँ जी, हमने क्यों पूछना है? आप इनकी एम्प्लॉई हैं जी, तो इन 10,000 रुपए आप महीने के लेती हैं, कितने केसेस करती हैं?
सर इस तरह का कोई केस नहीं है, अभी इनको एक माह हुआ था हॉस्पिटल, अभी हॉस्पिटल बनाए हुए। आप ये कह रही हैं कि ये पहला गैर कानूनी इसका अमल कर रहा है, इससे पहले नहीं कर रहा है, इससे पहले नहीं, या फर्क ये पकड़ा पहला गया है? नहीं नहीं हुआ ही पहले, पहले ही हुआ, पहला ही हुआ। तो इस एक महीने में आपने कितने केसेस किए होंगे? सर्जिकल हॉस्पिटल है वहाँ पे, मतलब के ऑपरेट होते हैं, होते रहते हैं। हाँ जी होते रहते हैं, 12-13 ऑपरेट, डिलीवरी या एबॉर्शन के अलावा भी केसेस होते हैं। हाँ जी हाँ जी। आप वो भी सारे देख रही होती? नहीं नहीं देख नहीं रही होती, मतलब ये है कि ऑपरेट हुए हैं 12-13 इस महीने में, 12-13 बच्चे हुए हैं डिलीवरी के केसेस। हाँ जी। तो ये आपको कैसे पता है कि वो सारे मियाँ बीवी वहाँ पे आए थे और लीगल ये सब कुछ हुआ? नहीं तो वो फैमिली विद फैमिली आते हैं, विद फैमिली आते हैं जी। तो ये केस तो पहले दिन से मशकूक था, तो आपने इनकार क्यों नहीं किया कि इनके फैमिली किधर? जब ये हो चुका था तो तब मैं आई थी, जस्ट उसामा से कपड़े मांगे थे, मैंने कहा कपड़े दो। हाँ। ठीक है, मैंने कपड़े चेंज करवाने हैं, काफी पेशेंट गंदा हुआ पड़ा तो उसको साफ करना है। उसामा ने क्या बताया था ये कौन है लड़की? उसामा ने ये बताया था कि ये मेरी बीवी है। ये आपको बताया था? नहीं नहीं, वो उधर कंसर्ट साइन हुए पड़े थे वहाँ पे, जो कंसेंट लेते हैं उससे पहले रजामंदी लेते हैं, दस्तखत करवाए जाते हैं, तो उसमें उसने लिख दिया मेरी बीवी है। तो डॉक्टर्स ने या अमले ने ये तस्दीक ही नहीं की, या उससे निकाहनामा या कोई तस्दीक, कोई शनाख्ती कार्ड कुछ नहीं लिया? इस तरह का कुछ आपको तो नहीं पता, लेकिन डॉक्टर्स को तो, पर डॉक्टर्स को तो पता होगा ना, उन्हें पूछना नहीं चाहिए था, बल्कि उन्हें पता होगा कि इस काते अमल का केस, इसलिए 35,000 रुपए भी लिया। आम डिलीवरी के भी इतने पैसे लेते हैं वहाँ पे? नहीं कम लेते हैं ना जी। तो जाहिर मतलब है उसामा से पैसे ज्यादा लिए, इसका मतलब ये था कि गैर कानूनी तौर पे किया जा रहा है। दाइया के मुताबिक उसामा से ज्यादा पैसे सिर्फ इसीलिए लिए गए थे कि अस्पताल ने गैर कानूनी तौर पर इसकाते हमल किया था। अस्पताल के मैनेजर ने किया क्या इंकशाफ? हयात मेडिकल कॉम्प्लेक्स में तुम्हारा क्या काम? मैं एज ए मैनेजर वहाँ मैनेजर हूँ। सबसे पहले तुम्हारे पास आया था? नहीं ये मेरे पास नहीं आया था, ये जो डॉक्टर साहब का रेफरेंस मेरे पास आया था। अच्छा, पेशेंट ने क्या बताया था? डॉक्टर साहब ने सिर्फ यही कहा था कि पेशेंट आ रहे हैं, एबॉर्शन है। अबॉर्शन का नहीं बताया उन्होंने। हाँ, पेशेंट आ रहे हैं जी जी। अच्छा, शोरकोट में जब ये फर्स्ट टाइम मींस के हमारे पास आए, ये उस टाइम की मैं आपको बता रहा हूँ। उस वक्त भी नहीं तुम्हें पता था? नहीं मुझे नहीं पता था, क्योंकि कितने पैसे लेते हैं केस के? केस के आम रूटीन में मींस के 6,000-10,000। उस दिन 35,000 क्यों लिया? वो डॉक्टर साहब ने इनसे डील पता की था ना, डील की थी। हाँ ना डॉक्टर साहब ने, पता था ये इल्लीगल अबॉर्शन है ना। मुझे डॉक्टर साहब ने अंधे को भी पता चलता है मेरा भाई, 6,000 रुपए अगर आम केस का मियां बीवी जाएं, अब जाहिर है कि उसका 6,000 लेते हैं, इल्लीगल अबॉर्शन हो रहा है तो 35,000 लिया ना। ऐसा होता है कि कुछ करीब होते हैं तो फिर नहीं लिया जाता, जो नहीं लिया जाता तो जो करीब होते हैं वो रेफरेंस से आए थे, तो उससे ज्यादा थोड़ी लेना था वो भी। इसका मतलब है कि केस और था वो, मुझे तो आइडिया नहीं, वो डॉक्टर साहब को आइडिया होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। मेरा नाम सैयद नासिर। नासिर ये पहला केस तो नहीं हो सकता एबॉर्शन का, इल्लीगल एबॉर्शन का पहला केस? इल्लीगल तो पकड़ा गया, मुझे तो नहीं आईडिया, जान चली गई, हो तो नहीं सकता है कि ये जब से हॉस्पिटल बना है, जब से प्रैक्टिस कर रही हो, ये पहला केस है? ये तो नहीं हो सकता, इससे पहले भी करते? इससे पहले नहीं करते, मींस कि अगर कोई इमरजेंसी केसेस आते हैं, इसे ही इमरजेंसी केसेस कहते हैं। मेरी बात सुने, जो डीएनसी के पेशेंट आते हैं जिनके मींस के बॉडी के अंदर इशू होता है, ये डेड फीटस होता है, जारी बात है उसको निकाल। जी जी, इल्लीगल एबॉर्शन की बात कर रहा हूं। इल्लीगल मुझे तो आईडिया नहीं था। तुम्हें आईडिया नहीं? जी जी, सही आइडिया के आम रूटीन में 6,000 लेते हैं, उस दिन 35,000 लिए, फिर भी तुम्हें आइडिया नहीं होगा। ये लाहौर से आ रहे थे तो डॉक्टर साहब ने इनको गाइड किया होगा, तो डॉक्टर साहब ने डील की होगी, मुझे नहीं आइडिया। ऑपरेट किया ये बताओ, तुम्हारा तो अमला है ना, तुमसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। वो वहाँ पे स्टाफ थे, डॉक्टर साहब ने बुलाया था, दो फीमेल। क्यों डर रहे हो? नहीं नहीं, डरने की खटकड़ियां लगी हुई हैं। नहीं कोई मसला नहीं, क्यों बचा रहे हो? बताओ कि जी फलां डॉक्टर थी, खवातीन, उन डॉक्टर्स का नाम बताओ। डॉक्टर अब्दुल्ला थे और तो हो गए। हाँ जी जी, उनके साथ दो लेडी। वो कौन थी? वो उसका डॉक्टर। वहाँ पे मैनेजर हो? जी जी। ये नहीं हो सकता वही पे लोकल होंगी सर, क्योंकि मैं लोकल होंगी। मैं वो हॉस्पिटल है कि पार्क है, जो मर्जी आए अंदर घुस जाए। नहीं नहीं नहीं, वो डॉक्टर साहब ने खुद उनको कॉल करके बुलाया था। मैनेजर को इल्म ही नहीं कि इसके अस्पताल में कौन आकर मरीजा का ऑपरेशन कर रहा था। डॉक्टर 6,000-7,000 की बजाय 35,000 रुपए ले रहा था। दाल में कुछ तो काला था जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। उसामा इस जिम्न में क्या कहता है? तुम्हें उसने कहा तुम लेके सबसे पहले कहाँ पे गए, कहाँ से उसे लिया? मैंने कॉलेज से उसको लिया था। किस कॉलेज से? कॉलेज से, जो गुजरात में। ठीक है ठीक है। उसके बाद हम लाहौर आए, लाहौर से हम शोरकोट गए, वहाँ पे जाके लाहौर आए। लाहौर किस मकसद के लिए? इसी काम के लिए, एबॉर्शन के लिए आए थे यहाँ। हाँ जी। यहाँ मौका नहीं मिला, कहाँ कहाँ गए?
कहीं भी नहीं गए थे, ठीक है, सिर्फ हमें एक लिंक निकालना था जो मतलब रेफरेंस मिला, क्योंकि उसकी हालत बड़ी खराब थी ना, तुम ये कह रहे हो, तो उसे लेके इस तरह से घूमा तो नहीं जा सकता था बिल्कुल, ठीक है, इसलिए फिर हमने रेफरेंस निकाला, जिस लिहाज से हम उधर गए शोरपुर गए, वहाँ जहाँ जैसे हम पहुंचे हैं उन्होंने अपना मेडिकल मतलब टेस्ट वगैरह किया, उन्होंने मुझे जाते ही बता दिया था कि ये मामला है, उन्होंने मुझे जाते साथ ही ये बात कही कि इसकी प्री ब्लीडिंग शुरू हो गई हुई है, ठीक है। सबसे पहला सवाल मेरा ये है, उसामा तुमने बता दिया कि ये मेरी दोस्त है, हम मियाँ बीवी नहीं है, या झूठ बोला वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे तो मियाँ बीवी शो करवाया था हमने। मुलजम एतराफ कर रहा है कि अस्पताल में इसने मियां बीवी का झूठा ताल्लुक जाहिर करके मरियम का इसकाते हमल करवाया था। फिर ऐसी कौन सी वजह थी कि लाहौर में बहन का ताल्लुक बताकर मुलजम ने अस्पताल में छोड़ा था? मरियम फातिमा के वालिद ने इस केस पर क्या कहा? मुकम्मल हो गया जी कोर्स इन्हों का, तो आने तुम डिग्री देने जो पैसे जमा कराओ, पैसे असं कट्ठे किए मजदूरदार बंदे पैसे इन्ने दिन नहीं होते, पैसे कट्ठे किए तो फिर साडा नहीं रबता होया। बाप को तो इल्म ही नहीं कि इसकी बेटी के साथ क्या हो चुका है। इसके मुताबिक तो बेटी यूनिवर्सिटी फीस जमा करवा कर डिग्री लेने गई थी। पुलिस की तफ्तीश में कौन कौन से पहलू सामने आए? जो हमसे मुलजिम ने बात की है वो तो साफ इनकार कर रहा है जी कि मेरा तो इसके साथ कोई जिनसी ताल्लुक नहीं था, ये जो प्रेगनेंसी है वो मेरी वजह से नहीं हुई। ये बयान बार बार बदल रहा है, जो हमारे पास इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, उसमें इसने बयान किया था कि मेरा उसके साथ 5 साल तल्लक है, दोस्ती है और मेल मिलाप भी है। ठीक है, ठीक है, और अभी ये कभी कहता है कि जी ये हमल मेरा नहीं है, ये ऐसे है, ये चीज़ें जो हैं ये इसके कहने से ये कानून की गिरफ्त से बचने के लिए सब कुछ कर। हाँ, अभी हम इसका डीएनए करवा लिया, जो लड़की है उसका डीएनए जो है वो सेफ है फॉरेंसिक लैबोरेटरी में, अभी हम इसका भी डीएनए करवा रहे हैं। मुलजिम कौन है? हाँ, और इसके अलावा अगर कोई सस्पेक्ट और हुआ तो उसका भी हम डीएनए करवाएंगे, इसको मंत्री इंजाम तक पहुँचाएंगे। मेरा आवाज सब सवाल ये था कि आप सारी तफ्तीश इन्हीं मुलजिमान से करेंगे या जड़ तक पहुँचेंगे, वो अस्पताल जहाँ पे ये गैरकानूनी तौर पर हमल गिराया गया, एबॉर्शन किया गया, वहाँ जो डॉक्टर शामिल हैं जिन्होंने चंद पैसों की खातिर, चंद हज़ार रुपयों की खातिर ये सब कुछ किया, उन्हें भी आप शामिल तफ्तीश करेंगे? हम उधर पहुँच चुके हैं। पहुँच चुके हैं, हमने इनके इंकशाफ पर बकायदा प्रॉपर जो है उधर रेड किया है, उधर से हमने एक डॉक्टर भी जो है वो जो मैनेजर है इनके अरेस्ट किया है, जो आपने मैनेजिंग डायरेक्टर कह रहा है, ये इंस्टीट्यूशन उधर बोर्ड लगाया हुआ है कि मैं BBS हूँ। अच्छा, वो हमारे पास सेफ है। इसका मतलब ये है कि बजहरन वो जो क्लिनिक है वो इन्हीं कामों के लिए इस्तेमाल होता है, अगर ये अपने आपको डॉक्टर कह रहे हैं, yes. तो इसका मतलब है कि वो इन्हीं कामों के लिए इस्तेमाल होता है। एक ये जो पकड़ा हुआ है डॉक्टर नासर अब्बास, एक इसका साथी है डॉक्टर अब्दुल्ला अमीर, वो भी चाइना का चाइना से पढ़ा हुआ है, ठीक, वो अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुआ। पुलिस डॉक्टर अब्दुल्ला को शामिल तफ्तीश करेगी तो मजीद हकायक सामने आएंगे। दाइये के मुताबिक कौन था लड़की की हलाकत का जिम्मेदार? अब मुझे मरियम फातिमा की कंडीशन के बारे में बताएं, जब वो आपके पास थी, आपके हैंड ओवर हुई, उसकी कंडीशन कैसी? उसकी कंडीशन सर वो होश में आ गई थी, ठीक है, तो उसने मतलब के बात भी की थी। क्या बात की थी? कि मुझे पेन हो रही है। पेन हो रही है, ठीक है, आपसे बात? हाँ जी, मुझसे ये बात उसने की कि मुझे आप ही पेन हो रही है। हाँ, ये केस बिगड़ा कैसे फिर? मैं बताती हूँ, उसने कहा आप ही मुझे पेन हो रही है, मैंने कहा अच्छा आपको मैं ना इंजेक्शन लगवाती हूँ, आप ठीक हो जाओगे बेटा, आप टेंशन ना लो, ठीक है। तो उसको फिर मैंने मतलब के साफ वगैरह करके, पैक वगैरह करके कमरे में शिफ्ट करवा दिया ना, तो उसके बाद डॉक्टर साहब ने उसामा को कहा था कि 3 दिन उसामा तुमने इसको इधर ही रखना है। अच्छा, जी ठीक है, बच्ची स्टेबल हो जाएगी तो आप लोग चले जाना ना, ठीक है, फिलहाल इसका यहाँ से जाना ठीक नहीं है। ठीक है, हालत बेहतर नहीं थी। जी, तो उसामा ने कहा नहीं हमने जाना है वापस। जाहिर है लड़की ने घर पहुँचना होगा। जी, तो हमने वापस जाना है। उसामा उसी दिन लेके निकला? उसी दिन। कितने घंटे बाद ऑपरेशन के? तीन चार घंटे बाद। डॉक्टर सजेस्ट कर रहे थे 3 दिन रहने है, वहाँ से लेके निकल। हाँ, और आप समझते हैं कि यही वजह थी उसकी हालत खराब? जी, हाँ जी। दाइया के बकौल उसामा ने डॉक्टर की हिदायत पर अमल नहीं किया, वो मरियम फातिमा को नाजुक हालत में अपने साथ ले गया और शोरकोट से लाहौर तक का सफर करवाता रहा, ऐसे में मरियम की हालत बिगड़ गई। उसामा किसको ठहरा रहा है कसूरवार?
यहाँ लाहौर टीचिंग हॉस्पिटल लेके आया, यहाँ भी ब्लीडिंग नहीं हो रही। टीचिंग हॉस्पिटल में जब मैं लेके आया, इससे आगे की स्टोरी तो मुझे ना तो कोई मतलब बताने देता है ना कोई इतना करने देता है। ठीक है कि जब मैं उसको हॉस्पिटल में लेके आया हूँ, ठीक है, मुझे हॉस्पिटल के अमले ने पहले मुझे उन्होंने कहा कि जी आप इसका वो बनवाएं, क्या नाम है इसकी, एंट्री करवा दें आप। ठीक है, मैं उसने मेरे से नर्स ने पूछी बात के क्या है, मैंने उसको सीधी बात बताई, मैंने किसका ऑपरेशन हुआ है जिसकी वजह से मे बी इसकी बीपी लो हो गया है, आप काइंडली इसको ड्रिप लगाएं या इसको कोई ऑक्सीजन दें जिससे इसका सांस बहाल हो जाए। उसने मुझे कहा पहले आप करवाएं वो इसका वो क्या नाम होता है, एंट्री करवा दें। ठीक है, जाहिर है मैं मतलब भागा गाड़ी की तरफ, वॉलेट गाड़ी में पड़ा हुआ था, मैं भागा आईडी कार्ड लेके आया उसमें से। जिस टाइम मैं वापस आया हूँ गेट पे, मुझे उस वहाँ का एमएस था या जो भी था, मतलब मैं उसको नहीं जानता, ठीक है, उसने मुझे रोका, उसने मुझे बुजुर्ग बंदा था, ठीक है, उसने मुझे कहा कि ये सीरियस कंडीशन है आप इसके साथ, मैंने कहा जी मैं हूँ इसके साथ, मैंने कहा ये सीरियस कंडीशन है आप काइंडली इसके घर वालों को बुलाएं, ठीक है, हम ऐसे इलाज नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात वाजे तौर पे उसने मुझे उधर कही थी कि इसके घर वालों को बुलाएं, हम इसका इलाज ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो निगाह नहीं, मैं घर वाला हूं सर, मैंने उसको सीधी बात बताई थी कि मैं इसका दोस्त हूं। ठीक है, फिर मैंने उसको कहा कि मैंने कहा यार इसकी वालदा आ रही है, ठीक है, मैं उनकी वालदा को ही फोन कर रहा हूं, आप काइंडली ट्रीटमेंट शुरू करें। ठीक है, आप अगर प्रॉपर वीडियो निकाले तो मैं उसके आगे हाथ जोड़ के मैंने उसको ये बात की थी, ठीक है, कि आप इसका ट्रीटमेंट शुरू करें, इसकी वालदा भी आ जाएंगी, कोई ऐसी बात नहीं, ट्रीटमेंट वहां पर शुरू नहीं किया गया। ठीक है, यही मेरी उससे बहस, उसने कहा ठीक है आप इसकी वालदा को लेके मैं इतनी देर में हम करते हैं। ठीक है, जो बात उसने मेरे सर से करूँ, मैं उसी तरह ही भागा, लेट नहीं किया। ठीक है, और इस चीज़ पे मैं उसके साथ ज्यादा बहस में नहीं पड़ा गया यार, मतलब ट्रीटमेंट ना रुके। वो जो वीडियो है कि तुम वहाँ से भाग रहे हो, वो इसलिए भाग रहे हो? दो वीडियो हैं सर, ठीक है, अगर पूरी वीडियो देखी जाए, मैं पहले गाड़ी में गया हूँ, ठीक है, फिर मैं वापस आया हूँ, वापस लेके आया हूँ, ये वीडियो किसी ने नहीं दिखाई जिसमें मैं वापस आया हूँ। आप मीडिया वाले हैं, सबके पास ये वीडियो तो होगी। उसके बाद दोबारा तुम गए हो? मैं दोबारा गया हूँ फिर, ठीक है, उसके मैंने घर जाके उसी टाइम उसके घर कॉल की है। ठीक है, उसके घर कॉल करके मैंने बताया कि ये इसका मसला, उसकी वालदा को बताया, उसकी सिस्टर को बताया, नहीं उससे पहले नहीं पता, वालदा को नहीं पता। ठीक है, नहीं वालदा को तो पता था कि ये प्रेग्नेंट है। क्या चीज़? उसकी वालदा को तो पहले से पता था ये प्रेग्नेंट। सर मुझे नहीं, मेरे से नहीं उन्होंने बात की, उन्होंने कोई हैरानी शो की कि ये तुम क्या कह रहे हो हमारी बच्ची और प्रेग्नेंट। उन्होंने मेरे से सिर्फ एक बात की, मैंने जब उनसे बोला कि इस तरह मैंने उनको कहा कि मेरी बात ध्यान से सुने कि इस तरह उसको मसला था, ठीक है, वो प्रेग्नेंट हुई भी थी जिसकी वजह से उसका अबॉर्शन हुआ है और ये सारा, अब मैं उसको हॉस्पिटल लेके आया। उन्होंने मेरे से मतलब उन्होंने कहा किधर है, ठीक है, क्या हुआ है, मतलब सारी बात पूछी उन्होंने मेरे से, इतना घबरा के, मतलब जाहिर घबरा तो जाते ही इंसान, एक घबराहट तो थी, उनके डर भी था कि मेरी बच्ची ठीक है। मैंने उनको ये कह रहा था कि मुझे हॉस्पिटल वाले नहीं बता रहे, काइंडली आप फौरन से आ जाए। वालदा ने हामी भरी है? बिल्कुल, वालदा उसकी आई, मेरे उसकी सारी वालदा इधर आई, मेरे आधे रास्ते में उनकी बात होती है, ठीक, तकरीबन दो ढाई तीन घंटे लगे, क्योंकि गुजरात से आ रहा था। इस दौरान वो जिंदा थे? ठीक है, इस दौरान मैं नहीं उसके पास गया, हाँ। मुझे ये था कि मैं उसको छोड़ आया हूँ उधर, ठीक है, उसका वो ट्रीटमेंट करेंगे, इसकी वालदा आएंगी, मैं उनको साथ लेके जाऊंगा और वहाँ जाके मतलब जो भी आगे इनकी फर्दर कार्रवाई है। छोड़ा, यही तो सवाल है सर, छोड़ के आने का मुझे ये तो नहीं कहा था कि भाई वालदा को बुलाना है तो तुम यहाँ से खुद चले जाओ। मेरे वो हमदर्दी उसामा, मैंने उस वक्त से तसल्ली से तहम्मुल से बात सुनी है, उस वक्त ये हमदर्दी कहाँ पे गई मेरा भाई, जब वो लड़की की हालत इतनी ख़राब थी, उसने कहा वालदा को बुलाएं, ये थोड़ी कहा था, और तुम खुद लेने थोड़ी चले गए थे गुजरात, फ़ोन ही करना था ना उस वक्त, उसे उस हालत में क्यों छोड़ के गए फिर? जब मैंने उसको वहाँ पे लिटाया, ठीक है, मेरे मैं आपको पहले बता रहा हूँ बार बार कि मेरे से उसने बहस ही ये की थी कि इसकी वालदा को बुलाएं तब इसका ट्रीटमेंट। डर था कि मैं पकड़ा जाऊंगा? नहीं, डर मुझे मैं आपको बताता हूँ किस चीज़ का था, मुझे डर किस चीज़ का था, मुझे डर यही था कि मतलब कि जिस टाइम वो आए हैं, ठीक है, सारी इसके घर वालों को, अगर मेरे दिल में कुछ चोर होता, अगर मेरे दिल में कोई इतना डर होता, ठीक है, तो मैं उसको हॉस्पिटल ना फेंकता, ना मैं उसको हॉस्पिटल छोड़ गया था, जहाँ मुझे पता चला कि इसकी डेथ होगी, मुझे रात को 7 बजे बताया गया, रात को 7 बजे बताया गया, ये पता चला बाद में डॉक्टर से, वहाँ ट्रीट किया, क्या हुआ हॉस्पिटल में भेजी गई है, वहां तक उन्होंने उसको ट्रीट नहीं किया, सांस से चलती मैं लड़की को छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तो ये गुमान नहीं कर सकता कि मैं इसको डेड हालत में पाऊंगा। मुलजम उसामा के मुताबिक वो लड़की को जिंदा हालत में अस्पताल लाया था, उसके वहमो गुमान में भी ना था कि डॉक्टर्स उसका इलाज ना करके उसे मार देंगे। पुलिस के तफ्तीश में कौन है जिम्मेदार? क्या पुलिस असल मुलजिमान को कर पाएगी गिरफ्तार? असल किरदार कब होगा बेनकाब? दाइया आपने पकड़ ली? दाइया को हमने पकड़ ली है। इसका कितना किरदार है? दाइया कहती है कि मैं तो जब इन्होंने सर्जरी कर ली थी ना, तो उसके बाद आई हूँ, और अमूमन जब ये सर्जरी कर लेते हैं बाद में मुझे बुलाते हैं, मैं सफाई वगैरह करती हूँ, कोई पीस वगैरह हो तो निकालती हूँ, सफाई करती हूँ, कपड़े तब्दील कराती हूँ, और ये पैकिंग वगैरह करती हूँ, इसके अलावा मेरा कोई। साहब आप बड़ी साफ नीयत से इस केस को देख रहे हैं, ये तो पूरा गैंग हो सकता है, ये तो माफिया है जो ये सब कुछ करता है, तो ये भी नहीं हो सकता ये पहला केस हो, इससे पहले भी ये सब कुछ केस करते होंगे, इस दाइया के जरिए या जो मुलजिमान आपने पकड़े हैं या जो डॉक्टर अब्दुल्ला पकड़ा जाएगा उनके जरिए, आप तो इस पूरे माफिया को बेनकाब कर सकते हैं इंशाल्लाह। जो बकाया मुलजमान हैं जिसमें डॉक्टर अब्दुल्ला अमीर है,
एक लड़का अवैध बकाया है। इसके अलावा जो अभी तक हमारी तफ्तीश में आ रहा है कि ये जो खातून पकड़ी है हमने, ये दाई है, जो सर्जरी करने वाली हैं दो औरतें, उनका भी हम सराग लगा रहे हैं। आया कि उनमें कोई डॉक्टर थी या कोई नर्स थी या वो कौन थी, उनको भी उम्मीद है कि अगले दो दिन के अंदर हम राउंड अप कर लेंगे और इनको मुकम्मल जो है ये बेनकाब करेंगे कि ये लोग ये इतना जो है ऐसा धंधा कर रहे हैं जिससे मासूम जाने जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं। जाने जा रही हैं। और कितने पैसों में डील की थी? 35,000 ये जो आम केस का, ये कोई वहाँ पे 6,000 लेते हैं। हाँ, ये जो डॉक्टर नासर अब्बास है, ये इसने 35,000 रुपया वसूल किया था। Yes. आखिरी बात अब्बास साहब, हमें आपकी नियत पे शक नहीं है, आपने जिस तरह से दिन रात एक करके इन मुलजिमान को पकड़ा और मज़ीद मुलजिमान उन तक आप करीब पहुँचे हुए हैं, इसके इसका अंजाम क्या है? सज़ा मिलेगी या कल को ये जो 302 लगी हुई है ये भी हट जाएगी और मुलजिमान सारे बासानी बाहर आ जाएंगे, बरी हो जाएंगे? नहीं, इसमें मेरी बात सुने कि जो है ना, छूटने वाली बात कोई भी नहीं है। जिसका जितना करदार है, जितना रोल प्ले किया इस मासूम जान को, अभी जो आपने FIR दर्ज करवाई है उसमें दफा कौन सी लगाई है? दफा 302 लगी हुई है। 302 ही लगी और ये 302 कायम रहेगी अभी हमारे, हाँ 302 है और हमारे पास जो है वो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें बकायदा लिखा है कि इसका अबॉर्शन कराया गया है और इसकी जो मौत है वो इसी वजह से ही हुई है। और इसकी मौत में जिस बंदे का भी करदार है उसको हम कानून के मुताबिक जो है ना ये कटहरे में खड़ा करेंगे, उसके बाद कोर्ट देखेगी कि इसका क्या रोल है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये तमाम को सजा मिलेगी। पुलिस असल हकायक करेगी बेनकाब, मुलजिम पर इसकाते हमल के साथ कत्ल की भी दफात करेगी शामिल, हर पहलू से मुलजमान की तफ्तीश करेगी और मजीद सबूत और असल किरदार की खोज लगाएगी। इसी के साथ आमिर डार और टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगेबान।